गुजरात में प्रथम चरण का चुनाव 1 दिसंबर को होना है और अब चुनाव प्रचार थमने को है। इस बीच सी वोटर एवीपी के सर्वे में जो रिपोर्ट दिखाई गई है उससे यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें भी जीत सकती है और कांग्रेस को 25 से 30 सीटों पर समेट दिया गया है। लेकिन जो चुनाव की रैलियां हो रही हैं उस रैलियों को अगर आप देखेंगे तो हकीकत यह है कि कांग्रेस की एक रैली में जितनी भीड़ जुटी है बडगाम में, उसमें नरेंद्र मोदी की 4 रैलियों को अगर आप शामिल कर लें तो उतनी भीड़ भी तब भी उसमें नहीं जुट पाई। और न सिर्फ भीड़ बल्कि भीड़ के अंदर जो उत्साह है उस उत्साह को भी देखते बनता है कि कांग्रेस के प्रति किस तरह से एक साइलेंट वेव है। और ये बात खुद कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जिग्नेश मेवाणी कह रहे हैं। हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से गुजरात के गांव-गांव में प्रचार कर रही है और उस प्रचार में लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो सी वोटर के सर्वे को झूठलाता है। कल ही जिग्नेश मेवाणी जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बनासकांठा के थारस में एक रैली का आयोजन किया और उस रैली में हजारों की संख्या में जो भीड़ उमड़ पड़ी है उस भीड़ का वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि मेन स्ट्रीम का मीडिया भले ही हमारी वीडियो को हमारी खबरों को नहीं दिखा पाए लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस लोगों के दिलों तक पहुँच चुकी है और उसी की झलक है यह वीडियो। दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन पटेल हो या कोई भी अन्य नेता, यहाँ तक कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी रैलियों में अगर आप देखेंगे तो एक मायूसी है, एक उदासीनता है। और यही उदासीनता की वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जब ये देखते हैं कि गुजरात के लोगों में उनके प्रति कोई उत्साह नहीं है तो वह नफरती बात करते हैं ताकि लोगों के दिलों में एक नफरत जगा करके उत्साह पैदा किया जाए। और वह जब रैली करते हैं तो उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया और कहा कि दंगाइयों को सबक सिखाया गया, इस वजह से आज तक वहां पे दंगे नहीं हुए। तो गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान इससे स्पष्ट होता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2002 में दंगे कराए गए और उसी दंगे को याद दिला करके अमित शाह यह जताना चाहते हैं कि लोगों के जख्मों पे को कुरेद रहे हैं ताकि लोग डिवाइड हों और उनमें उत्साह हो और उनके पक्ष में वोट हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जिग्नेश मेवाणी जो वहाँ के गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो खुद बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं और बडगाम में पिछली बार 2017 में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। इस बार जिग्नेश मेवाणी न सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बल्कि एक स्टार कैंपेनर भी हैं और उनकी रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है यह भीड़ मीडिया में तो नहीं दिख रहा है लेकिन सोशल मीडिया में उसकी झलक दिख रही है। और तब ऐसे में आप ये महसूस करेंगे कि सी वोटर ने जो सर्वे किया है ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्रायोजित सर्वे है, खास पार्टी को जिताने के लिए वो सर्वे किया जा रहा है ताकि उस सर्वे की रिपोर्ट से जो नतीजे सर्वे में दिखाए जा रहे हैं उससे लोग प्रभावित हों और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जिग्नेश मेवाणी एक उभरते हुए दलित लीडर है जो पूरे गुजरात में वह एक बहुत ही स्वीकार नेता के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। जिग्नेश मेवाणी के बारे में बताएं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यों में लग गए और जिग्नेश मेवाणी ने 2016 में जो ऊना में दलितों के साथ घटना हुई थी जिसमें गो तस्करी के झूठे आरोप में 7 दलितों को सड़कों पर पीटा गया था, उसके बाद उन्होंने इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाया जिसका असर न सिर्फ गुजरात की सियासत पे पड़ा बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ा। और उसी के बाद कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी को अपनी पार्टी में जगह दी, उन्हें सम्मान दिया और उन्हें 7 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया। और आज की स्थिति यह है कि जिग्नेश मेवाणी जहाँ भी सभा कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर भीड़ भी जुट रही है और उस भीड़ में उत्साह भी है। और यही वजह है कि जिग्नेश मेवाणी पीटीआई के साथ इंटरव्यू में यह कहते हैं कि आप मीडिया में जो भी देख रहे हैं वो एक बात है लेकिन हकीकत यह है कि साइलेंट वेव है कांग्रेस के प्रति और यही वेव हमारी पार्टी को 120 सीटें दिलाएगी।
अब दो दिनों के बाद चुनाव है, 1 तारीख को पहला चरण का और 5 तारीख को दूसरा चरण का और 8 को रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है।